हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके फ़ोन में गूगल ड्राइव के एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे लिखा रहता है कांट रिट्राइव फाइल इंफॉर्मेशन चेक योर नेटवर्क कनेक्शन, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई देती है। जब भी आप सभी लोग कोई भी फ़ोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करते हैं तब, तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम रहता है वो आपके फ़ोन में तभी देखने को मिलता है जब आपके फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, तभी गाइस इस तरीके से आपको प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जो है अपने फ़ोन का नेटवर्क वगैरह चेक कर लीजिए कि आपके फ़ोन में नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पे आप अपने फ़ोन में डेटा को भी चेक कर लीजिए कि आपके फ़ोन का मोबाइल का जो डेटा है वो यहाँ पे ऑन है कि नहीं है, ओके। और उसके बाद आपके फ़ोन में फिर भी यही प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे आपको सेटिंग को ओपन करना है और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मैनेज एप्लीकेशन पर जाना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव का जो एप्लीकेशन है उसको सर्च कर लेना है कुछ इस तरीके से और उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्टेड डेटा यूसेज का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वाईफाई और मोबाइल डेटा का ऑप्शन आता है, तो आपको इन दोनों को इस तरीके से इनेबल कर देना है और ओके करना है, जिससे गाइज ये जो एप्लीकेशन है वो आपका इंटरनेट को यूज़ कर पाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।